हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, अगर मैं बॉलीवुड की या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम होता है जो सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं होते, दे मेक आर हार्ट कम्स आउट। हम उसके लिए महसूस करते हैं, और ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जिस पर एक फिल्म आ रही है, मिशन रानीगंज। आई एम श्योर आप इसके बारे में जानते होंगे, बिकॉज 1989 के उस दौर में कुछ ऐसा हुआ था एक कोल माइन में, जहाँ पे वर्कर्स को एक रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया गया था। और इसी तरह से एक फिल्म आ रही है जो इंस्पायर्ड है इन ट्रू इवेंट्स से। सो आज हमारे साथ कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर टीनू देसाई हैं, और उनके साथ हैं बहुत खूबसूरत टैलेंटेड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म दीपशिखा देशमुख। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मेहनत लगी है इस सब्जेक्ट को स्क्रीन पर लेकर आने में, यानी पर्दे पर उतारने में। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। सो टीनू सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, मतलब ये जो जब मैं ट्रेलर देखती हूँ तो गूज बम्स वैसे ही मुझको हो जाते हैं। अब अगर मैं 1989 के उस दौर में जाऊँ और ये जानना चाहूँ कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर आए, तो क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया इसमें? जी, मुझे इंस्पायर किया गिल साहब की बहादुरी, गिल साहब के डिसीशन ने, जो उन्होंने सोचा कि मैं एनी हाउ कैसे भी करके मैं इनको बचाऊंगा। उनका कन्विक्शन कि नहीं, वो लोग नीचे जिंदा है ना, तो वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे लिए इंस्पायरिंग थी। और उनका आउट ऑफ द वे जाकर इस रेस्क्यू मिशन में जुड़ना, क्योंकि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वहाँ से गिल साहब का कोई लेना देना नहीं था उस कॉलरी से। वो कोई डिफरेंट कॉलरी में काम करते थे जो 500-600 किलोमीटर दूर थी, बट जब वो अपनी कॉलरी पे अपनी ऑफिस जा रहे थे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 बजे का टाइम था, तब उन्होंने एक रेस्क्यू वैन देखी और उनको रियलाइज़ हुआ कि रेस्क्यू वैन है, मतलब कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। रेस्क्यू वैन होती माइंड रेस्क्यू वैन, वो जाके उनको पता चलता है कि महावीर कॉलोनी में ये हादसा हुआ है, और वो अपने ड्राइवर को बोलते कि मैं महावीर कॉलोनी जा रहा हूँ। अच्छा, आप बोल दो कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। तो ये जो चीज़ है ना कि आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना किसी को, किसी को, वो मेरे लिए मोटिव, मेरे लिए एक सबक भी है कि अगर मेरी लाइफ में कभी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि कहीं आप किसी को हेल्प कर सको तो प्लीज़ कर दो, सोचो मत, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है आपको जहाँ आप किसी के हेल्प कर सकते हो। और आज के टाइम में हम सब इतने बिजी रहते हैं, मुझे लगता है अगर एक भी मौका ऐसा मिले तो जरूर हमको उसे ग्रैब करना चाहिए। यहाँ तो फैमिली में कभी कभी ऐसे इंसिडेंट मैं सुनता हूँ कि कोई फैमिली की भी हेल्प नहीं करता है। तो ये तो गिल साहब के लिए कोई ना फैमिली थी ना कोई अपना था उनका, है ना, तो एक जो सब लोग बोलते हैं यार मजदूरी तो थे, बट उनके लिए सोच रखना कि अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के बारे में नहीं सोचा, है ना, उनको किसी ने बोला नहीं था कि आप जाओ, आप हेल्प करो, आप नीचे जाओ जहाँ कोई नहीं जाना चाहता है, बट वो गए और उन्होंने बचाया उन लोगों को। इससे बड़ी कहानी हो नहीं सकती है। एब्सोल्युटली, और जिस तरह से ट्रेलर हम देख रहे हैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपने वो डिज़ाइन किया है और वो हमें नज़र आ रहा है, वो इमोशंस, द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस हम कह सकते हैं। थैंक यू, ट्राई किया हुआ है, अच्छा है, टीजर में सबको पसंद आ रहा है, फिल्म में इससे ज़्यादा पसंद आया, और डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ को लेकर कि जो मैंने, मेरी टीम ने, प्रोडक्शन टीम ने, प्रोड्यूसर ने, जो हमने ट्राई की है इसको अचीव करने की, उस वर्ल्ड को क्रिएट करने की, है ना, उस कहानी को पर्दे पर लेकर आने की, वही सेम ह्यूमन ड्रामा, वही चैलेंजेस, वही थ्रिल, करेक्ट, उस सारी नेल बाइटिंग मोमेंट्स हमने ट्राई की है, तो होपफुली ऑडियंस 6 अक्टूबर को देखेगी और पसंद करेगी। डेफिनेटली पसंद करने वाली है। दीपशिखा, आई एम कमिंग टू यू नाउ, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया या किस चीज़ के साथ आप रेजोनेट कर पाई व्हेन इट कम्स टू दिस रेस्क्यू ऑपरेशन, बिकॉज दिस वाज अ हाई स्टेक रेस्क्यू ऑपरेशन, बहुत सारा टीम एफर्ट है ना, और बहुत सारी मेहनत के बाद ये हो पाया 65 वर्करों की जान बचाना। फॉर मी एज अ प्रोड्यूसर, यू नो, अगर आपको एक ही स्क्रिप्ट में थ्रिल, इमोशन, ड्रामा सब कुछ मिलता है, तो मेरे लिए यू नो वो स्क्रिप्ट, हालांकि वो एक रियल इंसान के ऊपर निर्धारित है, लेकिन एज अ स्क्रिप्ट, अगर एज अ कहानी मैं उसे सुनूं, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और मैंने कहा कि मतलब ये टाइम है कि इंडियंस आर शाइनिंग इन द वर्ल्ड, यू नो 1989 में, जैसे मैं सब जगह कह रही हूँ कि सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो यू नो गिल साहब वुड बी वर्ल्ड फेमस एज वन ऑफ द बिगेस्ट सेवियर्स ऑफ अ रेस्क्यू ऑपरेशन एवर कंडक्टेड
इन द हिस्ट्री यू नो. और कोल माइन रेस्क्यू के तो आपको बहुत कम इंसिडेंट्स मिले होंगे कि जहाँ पे, तो आई थिंक कोई भी नहीं है जहाँ पे 100% एज पर आर नॉलेज कि किसी को 100% लोगों को वो निकाल पाए. सो आई थिंक वी आर वेरी प्राउड टू बी प्रेजेंटिंग अ स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू इंडियन and based on a very powerful, strong rescue mission of the coal mine in India. टॉकिंग अबाउट अक्षय, अक्षय ने पहले भी, अगर मैं केसरी की बात करूं या मिशन मंगल की बात करूं, तो रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड फिल्में की हैं और हम जानते हैं कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने किरदार को करते हैं. यस, एयरलिफ्ट भी, रुस्तम में आपने उनके साथ काम भी किया है ना, बैक इन 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आपकी वो फर्स्ट चॉइस ही थे अक्षय सर? यस. सिर्फ फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बताऊं, मैं स्पेशल 26 में फर्स्ट एडी था. अच्छा. नीरज जी के साथ. यस. तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई ना, तो मैंने, नीरज जी और शीतल जी ने मुझे ड्यूरिंग द शूटिंग कहा था कि हम तुझे लॉन्च करेंगे एज डायरेक्टर. अच्छा. तो बोले तू स्क्रिप्ट लेकर आ. तो हम स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, फाइनली स्क्रिप्ट मेरे पास आई है. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत अच्छी लगी. मैंने शीतल जी को स्क्रिप्ट दी, उन्होंने एक दिन में पढ़ के बोला कि ये स्क्रिप्ट मिल गई हमको. नीरज जी आउट ऑफ स्टेशन थे, नीरज जी को भेजी. नीरज जी ने भी दूसरे दिन फोन किया मुझे कि टीनू हम ये स्क्रिप्ट कर रहे हैं. ओके. उन्होंने बोला ऑप्शन क्या. ओके. मैंने अक्षय सर का नाम नहीं लिया था. अच्छा. क्यों नहीं, तो क्या होता है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि अरे भाई तेरे को अक्षय कुमार ही मिला मतलब मेरा हीरो है. सारी जो चीज़ होती है ना, कॉन्शियस आपको फील होता है कि नहीं यार मैं अक्षय सर का कैसे नाम ले लूँ, है ना. तो मैंने नाम लिया ही नहीं, मैंने सर मैं सोच के बताता हूँ. और कॉन्सिडेंस देखिए, 3 दिन के बाद उनकी कुछ मीटिंग थी अक्षय सर के साथ. ओके. और अक्षय सर ने उस मीटिंग में नीरज जी को कहा कि मेरे को कोई कोर्टरूम ड्रामा करना है. कोई लाओ ना ऐसा सब्जेक्ट. तो अक्षय सर ने बोला ओके डन, कल सुबह आप नरेशन सुनिए, है ना. टीनू जो फर्स्ट एडी था मेरा, वो डायरेक्ट करेगा. ये स्क्रिप्ट है इसके बारे में. अच्छा. नीरज जी बाहर आए, बोले टीनू हीरो मिल गया. बोले कौन हीरो मिल गया. बोले अक्षय सर. अरे वाह. बोले कल तेरा सुबह 7 बजे का नरेशन है. Very nice. तो ये इस तरह से हुई थी. That's how Rustam was made. और ये होता ना कभी कभी आपकी बैठ जाती है चीजें. Yes. और इस सब्जेक्ट के लिए मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरे पास आया. गिल साहब के बारे में पता चला, ये इतना बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है भारत का, वो पता चला कि हाँ 1980 में ऐसा कुछ रेस्क्यू भी हुआ था. Yes. रेस्क्यू मिशन हुआ. Yes. था, है ना. तो मैं फॉर्चुनेट कि मेरे पास वो सब्जेक्ट आया. मैं फॉर्चुनेट हूँ कि अक्षय सर एंड पूजा फिल्म्स ने हामी भरी कि हम ये फिल्म बनाएंगे और पर्दे पे लाएंगे. नहीं तो आज जो रिएक्शन मिल रहा है टीजर और ट्रेलर से और लोगों को पता चल रही है अबाउट गिल साहब, अबाउट कोल इंडिया, अबाउट टीम, कि उन्होंने कैसा इतना बड़ा रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू मिशन किया था, वो किसी को पता ही नहीं चलता. Absolutely. In fact, पूजा एंटरटेनमेंट की बात करूं तो इतने अच्छे सब्जेक्ट्स पे, कंटेंट पे आजकल आप काम कर रहे हैं. What is that one thing that you look for in subjects when someone comes to you and narrate the story or like talk about the project? I think I always put myself in the place of an audience. और मैं सोचती हूँ कि क्या मैं 250 रुपए लेकर ये पिक्चर देखने जाऊँ. आजकल महंगा हो गया ना. आजकल महंगा हो, 450 रिक्लाइनर पे चले जाओ तो. और मैं आम आदमी हूँ, मैं तो डिपेंड ऑन डे ना, डिपेंड ऑन डे. मैं कह दूं कि मैं मेरी काफी सारी फिल्म्स गेटी गैलेक्सी में. अच्छा. आई एम नॉट जोकिंग बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया का जो पल्स है ना, वो आपको वहां से पता चलता है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाकर पिक्चर देखना, उनके रिएक्शंस पता करना. आई थिंक एज अ फिल्म मेकर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड टू द पीपल फॉर होम यू आर मेकिंग योर फिल्म्स. एंड आई थिंक हमारा एट पूजा एंटरटेनमेंट हमेशा यही एंडेवर रहा है कि ये पिक्चर, हमारी जो सारी सब्जेक्ट्स हैं, हम कैसे लोगों तक पहुँचा सकें, कैसे उन्हें एंटरटेन कर सकें. एंड यू नो, हाउ कैन वी बेटर आर सेल्व्स टू मेक सिनेमाज. आई मीन अब तो क्या है, 30s 40s हमारे जो जनरेशन थे, अब तो जेन जी आ गया, उसके बाद जेन अल्फा भी आ गया. तो यू नो, जैसे मेरे बच्चे अब जेन अल्फा है, तो ये तो एक मिनट, आपके बच्चे भी हैं? हाँ. अब खुद बच्ची दिखती है. थैंक यू, आर बीइंग वेरी काइंड. बट यू नो, तो आई थिंक एज मेकर्स आपको यू नो, आपको हर किस्म के लोगों के लिए पिक्चरें बनानी पड़ती है. एंड हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि, बट वी आर वेरी लकी, मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत ही सॉलिड डायरेक्टर्स हैं. जैसे जब टीनू जी लाए, तो यू नो ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग. तो यू नो, एक
एक अश्योरेंस मिल जाता है कि यू आर बैकिंग द राइट प्रोडक्ट, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ पर्सन कि जो उसे बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट करके आपको बना के देंगे. एंड आई मस्ट से कि यू नो हमने इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बट टीनू जी इतने डिटेल में हर चीज़ देखते हैं, जैसे चाहे कपड़े हो जाए चाहे मेकअप हो जाए. जैसे मैंने संजय लीला बंसाली सर के बारे में पहले बहुत सुना था, हमने कभी उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसे यू नो इनको देख के लगता था कि एवरी थिंग ही सो डिटेल, कि कलर ऑफ द सेट, पीपल्स यू नो कभी कभी हम बोलते थे अरे भैया आप कितना समय, बट यू नो ही वाज लाइक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग को चाहिए कि 9 बजे चालू हो जाएगा, मैं 5 बजे उठूंगा, मैं 3 बजे उठूंगा, लेकिन मैं ही यू नो ही वॉन्ट्स इट हिज वे. That's the vision of the director. And I think that is so brilliant because, you know, very few makers in the country where you can say that they'll carry forward exactly jo script aapne, a sense jo aapne padhi. So I think for me that was a very high point, and I think everyone at Pooja Entertainment is very proud to have Tino ji on board, and you know, unhone itni achhi picture banayi hai. It was a very proud feeling jab hum log ne dekhi jaise unhone banayi hai on the edit. It was absolutely wonderful. वैसे मुझे गेटी गैलेक्सी नहीं जाना पड़ेगा, हम बीइंग एन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ये प्रिविलेज मिल जाता है एक दिन पहले पिक्चर देखने का. बिल्कुल आपको तो मैं तो पहले से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे 100%. अच्छा एक तारीफ मैं आपकी और करना चाहूंगी टीनू की, जब हम बाकी की कास्ट देखते हैं ना तो वो भी मतलब ऐसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री आपने चुन चुन के निकाले हैं, तो कास्टिंग कितना ट्रिकी था आपके लिए अपार्ट फ्रॉम व्हाट अक्षय इज प्लेइंग जेएस गिल्स कैरेक्टर? जैसे कास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं, जैसे ये सब्जेक्ट मेरे पास 6 साल से है, ओके 2016 से है, तो मैं 2016 से फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था, है ना, कभी कुछ हो रही थी कभी कुछ हो रही थी, फाइनली ये चीज़ वर्क हो, लेकिन ये 6 साल मैंने काम करना बंद नहीं किया था. मेरा एक रूटीन था कि मैं सुबह डेली उठता था 11:30 बजे 12 बजे स्टारबक्स जाता था मैं. अच्छा. अपनी कॉफ़ी लेता था, मैं स्क्रिप्ट रीड करता था. हाँ. और मेरा टारगेट है अगर दिन में मैंने एक सीन में एक हाँ. लाइन भी ऐड कर दी ना. अच्छा. तो मेरे लिए वो एक इम्प्रोवाइजर स्क्रिप्ट के ऊपर. हाँ. तो मेरी डिटेलिंग बहुत थी, मेरे हर कैरेक्टर के लिए मेरे ऑप्शंस रेडी थे. हाँ. कि मैं इस चेहरे में किसको देखना चाहता हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या. तो जब जैसे ही वाशु जी दीपशिका जैकी सब ऑन बोर्ड आए तो मेरे पास विशलिस्ट रेडी थी कि कौन किसकी डेट अवेलेबल है हमारी शूटिंग के हिसाब से, है ना, किसको रोल पसंद आता है ना. एंड अगेन मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने जिस को फर्स्ट अटेम्प्ट किया उन सारे एक्टरों ने कहा कि हमको इस फिल्म का पार्ट होना है, सब्जेक्ट ऐसा है, हमारा किरदार इतना अच्छा है ना, सारी चीज़. तो जैसे सारे दिग्गज कैरेक्टर हैं, धुरंधर, पवन जी, कुमुद जी, देवेंदु, रवि जी, जमील भाई, सुधीर पांडे जी, वीरेंद्र सक्सेना, इश्तियाक खान, और भी 2-3 नाम बोल रहा हूँ सॉरी, बट तो बहुत सारे कैरेक्टर है. मतलब किसी ने तो कमेंट किया था कि यार तुम ये पूरी इंडस्ट्री के सारे बेस्ट एक्टर को एक ही पिक्चर में लाओगे क्या. राजेश शर्मा हाँ जी. तो सब लोग ने किसी ने कमेंट किया तो सारे एक्टर को पकड़ के तुम एक ही फिल्म में लेकर आओगे क्या, कि सब इधर ही आ गए क्या तेरे सेट पे ही, है ना. इंडस्ट्री वाले बोले हम शूट कैसे करेंगे. तो उस तरह की जो चीज हुई है ना, तो अच्छा होता है एक डायरेक्टर के लिए. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि अच्छे एक्टर होते हैं, आप उनको ब्रीफ दे दो आगे वो लोग कर लेते हैं. और मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब जब इतने सारे अच्छे एक्टर्स होते हैं, सिंस दे आर सीजनड एक्टर्स, सम ऑफ देम आर वेटरन्स, अक्षय सर की बात करें तो वो भी इतने वक्त से इंडस्ट्री में है, तो डायरेक्टर का वहाँ पे चलता था लाइक कमांड या एक्टर्स अपना कमांड चलाते थे? उस तरह से सारे एक्टर्स है ना, बड़े चीज क्लियर है कि जो डायरेक्टर हमको बोलेगा हमको उस लाइन में चलना है. तो सारे सीनियर एक्टर उन्होंने इंडस्ट्री देखी हुई है और किसी को किसी के साथ इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरा रोल इतना क्यों, मैं ये सीन में खड़ा क्यों, मैं ये लाइन क्यों बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये लाइन क्यों बोल रहा है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं. तो उस तरह का जो एक्टर का जो सपोर्ट मिला है ना मुझे, एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट पढ़ के सबको पता था अपना किरदार क्या है ना, और वो खुश था उस किरदार से. एंड होप जब ये फिल्म देखेगी तब और खुश हो जाएगी, है ना, फाइनली खुश भी होंगे और आंखों में आंसू भी होंगे. टच वुड चीज़ ऐसी हो जाए, मज़ा आ जाएगी. तो क्योंकि क्या है ना चीज़, अगर सपोर्ट नहीं होगा ना, सी टेक्नीशियन टीम, प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो लोग तो मेहनत करते ही है, बट एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने तो यही एक्टर है. बिल्कुल, है ना. तो अगर उन्होंने मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया
तो मैं कैसे निकालूंगा एक्टिंग, मुझे तो उनका सपोर्ट बहुत मिला मुझे। मतलब हमने फ्लड वाटर में सीक्वेंस में शूट किया हमने, सुधीर पांडे जी इनकी एज है, उन्होंने उफ तक नहीं बोला कि नहीं यार टीनू में इतना पानी बह रहा है ना, मैं पानी के अंदर नहीं उतरूंगा, अच्छा पूरा पूरा दिन पानी में नहीं रहूंगा, सारे माइनस सुबह 9 बजे से शाम के रात के 9 बजे तक पानी में रहते थे। इवन सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक थिएटर एक्टर्स आल्सो ना, तो उनकी वो जो पैशन था ना वो मैच हो रहा था। अच्छा दीपशिखा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे जिस तरह से हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, जब इन सब सीजन एक्टर्स साथ में होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो हाउ वॉज दैट फील फॉर यू, लाइक अक्षय को आप कैसे रेजोनेट कर पाए जे एस गिल के किरदार के साथ कि ये मैच करता होगा इनमें? यू नो आई थिंक मेरे लिए तो यू नो व्हेन आई फील लाइक कोई भी स्क्रिप्ट आती है वेयर यू फील कि देयर इज दिस वन पर्सन जो जाकर इंडिया के लिए कुछ कर पाया है, कोई यू नो उन्होंने एक बड़ा मिशन किया है, या देयर इज समथिंग वेयर देयर इज अ पेट्रियोटिक फीलिंग, यू नो आई डोंट नो, पर मेरे लिए तो आई थिंक अक्षय सर याद है, इवन एज एन ऑडियंस ओनली पिक्चराइज हिम टू बी एबल टू कैरी सच रोल्स, सो आई थिंक वो एक सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यू नो द फर्स्ट डे ऑफ सेट व्हेन ही वो द पग विथ यू नो गेटिंग रेडी विद द सेम क्लोथ्स दैट यू नो गिल साहब हैड वोन, लाइक सडनली इट वॉज एन एहसास, यू नो गिल साहब्स डॉटर वॉज ऑल्सो देयर एंड शी गॉट सो इमोशनल पूनम व्हेन शी वॉज देयर फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, उन्हें भी एक सेकेंड के लिए लगा कि यू नो ये तो यंग डैडी जी की एक झलक लग रही है। एंड आई थिंक फॉर मी दैट वॉज यू नो यू फील गुड वेन यू सी सच थिंग्स। एंड आप जो ये एक्टर्स की बात करें, आई थिंक हमारा एक री इन्फोर्स हो गया कॉन्फिडेंस बिकॉज हमने ये स्क्रिप्ट को बैक की, एंड देन वेन दिस स्क्रिप्ट वॉज गोइंग टू एवरी एक्टर एंड लिटरली हर एक जन फर्स्ट नरेशन के बाद ही बोल रहा था आई एम ऑन। सो यू नो एज अ प्रोड्यूसर आपको लगता है कि येस मैंने एक करेक्ट डिसीजन लिया है इसको बैक करके, बिकॉज इतने सारे लोग, इतने सीजन लोग फर्स्ट गो में कैसे एक चीज को यस कह सकते हैं? तो यू नो देयर इज समथिंग, उनका तो एक्सपीरियंस हम सबसे बहुत ज्यादा है, सो यू नो देन देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट इन अ स्क्रिप्ट, एंड इसीलिए वो यू नो सब साथ हमारे जुड़ रहे हैं इस पिक्चर का एक हिस्सा होने के लिए। अच्छा जब टीनू ने नहीं सुनाई थी स्टोरी आपको, तब आपको ना ये जो हुआ रानी मुझे नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता, यू नॉट अवेयर, बिल्कुल भी नहीं, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। ओके जब राइटर मेरे पास लेकर आए तब मुझे पता चला, तो मैंने रिसर्च शुरू की। यू नो जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, मैं ये कहना चाहूंगी कि आई फेल्ट सच अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टोरी, एक है जब हमने कहा ओके लेट्स डू द स्क्रिप्ट, उसके करीबन 1 month तक वी वर जस्ट सिटिंग ऑन द रिसर्च दैट ही हैड ब्रॉट अप। उसके बाद पता चला कि यू नो गिल साहब को वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सक्सेसफुल यू नो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, लिम्का रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, कितने जगहों पे उनका मेंशन है। आई थिंक यू नो सोशल मीडिया अभी इतना स्ट्रांग हो गया ना कि आप तक फट से न्यूज़ पहुँच जाती है। यू नो पहले ज़माने में कैसे होता था, अगर आपने न्यूज़ पे कुछ मिस कर दिया तो मिस कर दिया। अब क्या है, सोशल मीडिया से आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं सब इन्फॉर्मेशन, तो वो टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ना। आई थिंक मतलब अगर आप कोल माइन का पहला सक्सेसफुल मिशन लोग जो कह रहे थे वो है, तो ये स्टोरी तो मतलब लोगों तक आनी ही आनी है। ऐसी कुछ भी पहले इंडियन सिनेमा में बनी नहीं है, अब्रॉड में भी एक यू नो मिशन ऑन हाउ इट वॉज एक्सट्रैक्टेड बनानी है, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत है, बट अ सिनेमैटिक फिल्म ऑन अ रेस्क्यू ऑफ अ कोल माइन इज नॉट बीन मेड बिफोर, एंड आई थिंक हमें आई एम वेरी प्राउड आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कितना फिक्शन है इसमें, कितना फैक्ट्स होगा, बिकॉज सिंस आपने इसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च किया और जो भी आपको पेपर्स पे मिला डॉक्यूमेंटेशन में या डॉक्यूमेंट्रीज जो राइटर ने आपको बताया उसके बेसिस पे फिल्म बनी। जितनी रिसर्च की है ना, जैसे मैंने हमारे पास 150 घंटे की फुटेज है जो हमने रिसर्च की है, ओके इंक्लूडिंग गिल साहब, उनकी वाइफ निर्दोष गिल, उनके बेटे है ना, जो बेटे को गिल साहब ने एक्सपीरियंस बताया था अपना कि वो 3 दिनों में क्या हुआ था, देन जो माइनर्स बच के निकले थे हाँ उनके 4 माइनर्स का एक्सपीरियंस कि वो 3 दिन तक नीचे थे तो उनको क्या एक्सपीरियंस था, उनको कैसे फंसे, कैसे बाहर निकले, कैसे गिल साहब नीचे आए तो उन्होंने देखा क्या रिया उनको फील हुआ जब फर्स्ट टाइम एक सरदार जी को देखा कि जिसको जानते भी नहीं वो लोग, और एक बंदा नीचे आया उनको बचाने के लिए, जो क्रेन ऑपरेटर था, क्रेन ऑपरेटर और नर्स डॉक्टर जो वहाँ के तब उस मौजूद थे वो 3 दिन वहाँ तक, तो सबसे जो जो हमने जो रिसर्च की थी, जो इंटरव्यू लिए थे, जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी, गैदर की थी, उस हिसाब से हमारे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था कि 2 घंटे में कैसे लेकर जाए फिल्म को और क्या रखे,
जो पिक्चर बांध के भी रखे, बिल्कुल लोगों को सेम वो फील हो, डेंजर है ना, सफोकेशन, वो पेन, फैमिली का इमोशन, ह्यूमन ड्रामा, वो सारी चीज एज ऑफ द सीट भी वो फील हो कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, है ना। तो वो सारी चीज एक टास्क था 2 घंटे का, कि 2 घंटे में कैसे लेकर आए, बट सक्सेसफुल हम लेकर आए, ट्राई किया है। मैं परसेंटेज नहीं बताऊंगा, 60-40, 80-20, 90-10, बट हाँ हमने ट्राई किया है कि मैक्सिमम रियल तक रहे, रियल के पास रहे। और अपने रानीगंज में शूट किया है या रानीगंज में शूट किया हुआ? रानीगंज में शूट किया हुआ है, रियल जो महावीर कॉलोनी जो हमको रिक्रिएट करनी थी, जो खाली स्टीम से चलती है, वो हमने सर्च किया, हमने रानीगंज में लोकेशन रोड 20-25 हमने कॉलोनी में हम लोग घूमे, बट कहीं पे भी मिली नहीं। फाइनली एक मिली जो कोल से चलती है अभी। अच्छा। तो फिर वो हमें लगा कि इसको मैं महावीर कॉलोनी इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो फिर महावीर कॉलोनी वहाँ बनाई। जो माइन के सेट थे वो हमने यहाँ पे शूट किया, क्योंकि माइन पे अलाउड नहीं होता, कोल माइन में शूट कर नहीं सकते हो, तो वो सारी चीज़ क्रिएट की गई। हम लोग ने 2 अलग अलग सेट लगाए थे, एक सेट लगाया था विदाउट वाटर और एक स्पेशल सेट लगाया गया था वो सिर्फ पानी के लिए था, क्योंकि हमारे बहुत ही सेकेंड हाफ में मेजर पोर्शन है जो पानी के अंदर, तो वो हमने 2 अलग अलग सेट लगाए थे। जो कोल माइन के सेट थे वो ऑडियंस फर्स्ट टाइम देखेगी। जब हम रिसर्च कर रहे थे, मैं फर्स्ट टाइम गिल साहब के साथ 500 फीट डाउन नीचे, चाणक लिफ्ट, अच्छा लिफ्ट को चाणक बोलते वो लोग, 500 फीट नीचे गए हम लोग। ओके। उसके बाद 1 घंटा वॉक किया। आप सोचो कि खाली कोल है राइट लेफ्ट साइड पे और एक गली है, नैरो लेन है, आपको काला दिख रहा है, लाइट नहीं है, कैप लैंप है, और आप 1 घंटा चल रहे हो, और 1 घंटे के बाद आपको 50 माइनर दिखते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और कोयला निकाल रहे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, जो मुझे फील हुआ, मुझे लगा ये फील ऑडियंस को होनी चाहिए। ये जो दुनिया है ना, इट्स वेरी सफोकेटिंग। सफोकेटिंग कहीं कहीं पे आपको सफोकेटिंग लगता है? नहीं, मैं ट्रू माइनर्स की बात कर रही हूँ, जिनको इस तरह से कोल की तो रोज की जिंदगी है, सालों से लगे, बट इट्स वेरी डेंजरस फॉर देम टू वर्क देयर। कोई कोई तो ड्रिंक करके नीचे चले जाते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, कि जैसे हम लोग यहाँ पे भी जो काम करते हैं म्युनिसिपैलिटी वर्कर, कभी कभी ड्रिंक करते हैं, उनको उसमें रहना नहीं है जोन में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ब्रेव भी होते हैं, उनको पता हम खतरे में जा रहे बट वो कर रहे, तो वैसी भी चीज। तो वो पूरा वर्ल्ड जो क्रिएट करना था ना, हमने जब सेट लगाया वो चाणक एंड कोल माइन का, मैंने 2-3 सीनियर ऑफिसर कोल इंडिया के उनको फोटो भेजे मैंने, तो उन्होंने बोला आपको परमिशन किसने दी कोल माइन में शूट करने की? अच्छा। तो मैंने बोला नहीं सर, हमने सेट लगाया ये। तो क्या बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है रियल है, ऑथेंटिसिटी। बोले चाणक ऊपर से नीचे आ रही है, माइनस लोग निकल भी रहे हैं, ये सब कैसे कर लिया आप लोगों ने? It must have been challenging for you. तो वो जो चीज़ थी ना, दया एंड अमरीश जो मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर है, उन्होंने कमाल का सेट बनाया था। वो रियल फील होता है। एक्टर जब सेट पर आए, ये सारे धुरंधर एक्टर, जब वो लोग सेट पर आए, अगेन थिएटर से, तो रियल चीज में उनको फील होता। तो जब वो सेट पर आए, तो उनको लग रहा है हम लोग कोल के कोल माइन में ही आ गए हम लोग। Big, it's large to experience what it must be feeling. हम तो क्या डर से कभी गए, allowed भी नहीं है, right? For safety reasons, normal people are not allowed to go in without permissions, etc. But it was beautiful to see how the set was recreated. But one thing I want to ask you, like in the context of this or not, I don't know, but आपको नहीं लगता दीपशिखा कि इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बच्चों की किताबों में भी होने चाहिए, ताकि वो जान पाए? बिल्कुल होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि यू नो, इंस्पायरिंग स्टोरीज आर सो इम्पॉर्टेंट। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट इंडियंस हैव डन दिस विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट एनीथिंग, वे बैक, यू नो। एंड आई थिंक जितना हम यंग बच्चों को इंस्पायरिंग स्टोरीज बता पाए, इंस्पायरिंग हीरोज के बारे में, अनसंग हीरोज के बारे में बता पाए, यू नो, बच्चे क्या एक छोटे सीख से क्या क्या से क्या समझ जाते हैं वो बतानी है। सो आई फील स्टोरीज लाइक दिस मस्ट बी टोल्ड टू देम इन दैट फॉर्मेट। एंड ये तो मतलब यू नो, जैसे मेरे बच्चे हैं तो यू नो दे से कि 7, 8, 9 से ही आपको एक एहसास हो जाता है कि इसका थोड़ा इंजीनियरिंग में है, इसका थोड़ा मैथमेटिक्स में, यू नो, बच्चों में वो पता चल जाता है। सो आई रियली फील लाइक अनसंग स्टोरीज ऑफ हीरोज दैट इंडिया इज प्राउड ऑफ नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड बच्चों तक पहुंचनी चाहिए ये कहानी। एंड व्हाट टीनू फील्स, किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है मिशन रानीगंज के बाद, कैसे लोग खुद को इससे रिलेट कर पाएंगे और कितना अवेयरनेस बढ़ेगा? लोगों का रिलेट का तो नहीं पता है मुझे कि लोग किस तरह से रिलेट करें, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। जो मेरी जर्नी रही,
इस फिल्म के दौरान, जहाँ मैं 2016 से जो गिल साहब के साथ मैं जुड़ा, 2016, 2017, 2018, 2019 को वो का निधन हो गया, बट उस जर्नी में जो मुझे उनसे सीख मिली, यही सीख मिली कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो ना, आप प्लीज़ हेल्प करो, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करो, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे जहाँ किसी की हेल्प कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मेरा कौन लगता है ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली मुझे वो सीख मिली है, होप ऑडियंस को भी वो सीख मिले। गिल साहब ने जो किया, अपने ऑफिस जाते आते यू टर्न लेकर कहीं और जाना और रिस्क लेना अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली को भी एक सेकंड उस पर लेकर प्रायोरिटी माइनस को दे दिया, जिनका उनसे कोई नाता नहीं है, ना उनको जानते हैं, ना उनकी फैमिली को जानते हैं, इसीलिए वो भगवान है उनकी नज़रों में। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे तो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, लेकिन मुझे लगता है लाइफ में रिस्क कभी कभी दूसरों के लिए भी लेना चाहिए। और दिस इज़ वन फिल्म, मिशन रानीगंज, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक पूरी तरह से ट्रिब्यूट होगा हम सब के लिए। सो थैंक यू सो मच टीनू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई मस्ट टेल योर पीपल, प्लीज आप मिशन रानीगंज हमारी पिक्चर थिएटर में जाके 6 अक्टूबर को जरूर देखिएगा। मुझे लगता है गोज विदाउट सेइंग कि ये फिल्म तो देखनी बनती ही है, और खुद भी जाइए, अपने बच्चों को भी फिल्म दिखाइए, ताकि वो भी ये जान पाए कि टीम एफर्ट्स क्या होते हैं, किसी है ना, किसी लाइक एक रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है, किस तरह से एक इंसान ने दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, एंड डू वॉच मिशन रानीगंज ऑन 6th ऑफ अक्टूबर 2023। थैंक यू।